अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट एटर्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इसमें मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें कोई भी इसको बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे पेपर से रोज़, ठीक है, जो न्यूज़पेपर होता है उससे हम रोज़ बनाएंगे। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक कट लगाना है, ठीक है। आपको मतलब इसके बाद ऐसे कट लगाने के बाद ये खूब सारे पेपर आपके एक ही साइज़ के कट जाएंगे। फिर इसको एक बार फोल्ड करके फिर से एक बार अच्छे से इसको काट लेना है। और इस तरह के आपको ना 9 पीस चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैंने 9 पीस कट कर लिया सेम साइज़ का। फिर इसको एक बार बीच से बिल्कुल फोल्ड कर देंगे, एकदम आपको बीचों बीच से फोल्ड करना है और इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं आप दिखा रही हूँ, मतलब वीडियो में दिखा रही हूँ, वैसे ही आप देख के समझो। फिर आपको चारों साइड से इस तरह से इसको बीच वाली लाइन पर ला के इस तरह से फोल्ड करते जाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है बीच वाली लाइन पर सटा के, और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से चारों साइड से आप फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ये साइड वाले पार्ट को बीच वाली लाइन पर ला के ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे मिला देना है, दोनों साइड ऐसे ही करना है। और फिर ये जो बीच वाली लाइन थी इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आपको 9 पीस बनाना है टोटल। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने सोचा ना पेपर से रोज़ बनाते हैं, और गोल्डन कलर का ये रोज़ होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब चलिए इतनी सारी मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब इस तरह से आपको 3 बीच में डाल के 3-3 का 3 पीस बना लेना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब एक में मैंने 3 डाला है और टोटल 9 पीस इसमें 3 पीस में बन गए। फिर बीच वाले पार्ट को अच्छे से मास्किंग टेप या फिर किसी भी थ्रेड के हेल्प से आपको इस तरह से कर लेना है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको उल्टे साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करने के बाद क्या करना है, एक एक पेपर उठा के ऐसे लगाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है। तो कुछ धीरे धीरे रोज़ का शेप लेने लगेगा। 3 आपको एक में 3 पत्ती रहेंगी ना, तो उसमें आपको तीनों को ऐसे उठा उठा के फोल्ड करना है। तो पहले एक करना है, एक लेयर पूरी कंप्लीट करना है, फिर दूसरी लेयर कंप्लीट करना है। आप प्रोसेस देख के समझिए, ऐसे उठाना है नीचे से और इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से सभी को फोल्ड कर देंगे, टोटल जितने भी हैं ना सभी को फोल्ड करते करते लास्ट टाइम पे एक पूरा रोज़ की तरह ये बन जाएगा। तो चलिए इसको पूरे को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और ये कंप्लीट हो गया। अब किसी भी स्क्रूवर्स या फिर किसी भी चीज़ के हेल्प से आप इस तरह से इसमें कर्व्स ला दीजिए थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके, तो ये बिल्कुल रोज़ की तरह लगेगा। धीरे धीरे इसको फोल्ड कर दीजिए तो सभी पेटल्स को इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार पीछे करके देख लीजिए, और आपको बिल्कुल बहुत इजी है। मैंने सोचा ऐसा DIY करेंगे जो सभी लोग कर सके, क्योंकि मैं पहले थोड़ा हार्ड वाला DIY करती थी जो सब कर मतलब सब नहीं कर पाते थे ऐसा वो बोलते थे। तो ये अब बहुत ही ईजी DIY मैं लेके आई हूँ आज, ये सभी कर सकते हैं। फिर एक मैंने इस तरह से रोल बना लिया। फिर अब इस तरह से आपको फोल्ड करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ एक पेपर को लेकर, और इसको लीफ की तरह कट कर लेना है, ठीक है। नीचे से कट लगाना है, बीच में स्ट्रॉ डालेंगे हम इसको, पहले स्ट्रॉज में भी कट लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से ये हो जाए। उसके बाद इसको स्टिक कर देंगे अच्छे से, अब ऊपर में हम अपने रोज़ को स्टिक करेंगे। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। अब उसके बाद करने के बाद लीफ बनाएंगे, जो 2 लीफ नीचे में रहेंगी। तो उसके लिए 2 इस तरह की लीफ मैंने बना लिया है। अब इसको भी अच्छे से ग्लू से स्टिक कर देंगे, और इस तरह से मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाया, बहुत ईजी और बहुत एलिगेंट लगेगा। तो चलिए इस तरह से 2 लीफ मैंने लगा दिया है। अब इस पर लाएंगे फाइनल लुक इसका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्प्रे पेंट यूज़ किया है गोल्डन, बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना ये बहुत अच्छे से, एक वो जो मेटल वाला गोल्ड रोज़ रहता है ना वो, ये देखिए उड़ गया। तो इसको बाहर में मैं अच्छे से ले जाके पेंट कर दूंगी, और हमेशा स्प्रे पेंट दूर से करिए। यहाँ पर मैं पास से करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं रूम में कर रही हूँ, बाहर जाके मैं इसको कम्प्लीटली पेंट कर दूंगी। तो चलिए आप अपने नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट DIY हम कर रहे हैं, आप एक वाज बना रहे हैं। मेरे पास एक अच्छा सा मतलब उसका क्ले का वाज था, सॉइल वाला जो आता है, और इसमें एक्रिलिक पेंट ले रही हूँ मैं वाइट, और इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा आपको ऐड करना है, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा प्यारा सा एक शेड लाने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्राउन में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसको रस्टिक विंटेज टाइप का लुक देना था, तो इसलिए मैं ऐसा यूज़ कर रही हूँ, बोहो लुक देना है। तो उसके बाद इसको पूरे को पेंट कर देंगे। पेंट करने से एक बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आता है ये सोडे वाले पेंट से, और बहुत अमेजिंग लुक लगता है। तो इसीलिए चलिए इसको जल्दी से पूरे को कम्प्लीटली पेंट करेंगे, और फाइनल रिजल्ट में साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी रोज़ का भी और इसका भी। तो चलिए इसे पूरे को अच्छे से पहले पेंट करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ कुछ और काम करना है। उसके बाद ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि मिट्टी का वास हम लोगों ने यूज़ किया है, ये आपको किसी भी लोकल शॉप पर बहुत कम में मिल जाएगा। तो इसलिए आप आसानी से जाइए और लेके आइए, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा फिर वो टफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीका है कि आप इसको ऐसे रिवैम्प कर सकते हैं, घर में पड़ी
किसी भी बेकार मिट्टी की चीज़ों को इस तरह से पेंट करके। तो चलिए इसको पूरे को ऐसे ही कम्प्लीटली पेंट करेंगे। और ये शेड ना कैमरे में वाइट दिख रहा है, लेकिन ये वाइट नहीं है, बहुत प्यारा सा एक शेड है। और इसके बाद इसको कम्प्लीटली मैंने पेंट कर लिया। अब स्प्रे पेंट ही लूँगी मैं गोल्डन, और दूर से थोड़े स्प्लैशेस दूँगी इसमें, ठीक है। पास से आप ऐसे गोल गोल स्प्लैशेस देना है हमें, ठीक है। थोड़ा छीटना है पेंट को, कम्प्लीटली पेंट नहीं करना है। और अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये नहीं करना है, तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट करूँगी तो वो आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारा सा लुक आएगा। तो इसको तो मैं ऐसे अभी थोड़े थोड़े दूर दूर पे इस तरह के स्प्लैशेस दे दे रही हूँ। थोड़ा सा पोल्का डॉट टाइप भी ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्प्लैशेस के ही तरह है, क्योंकि मैं इसको पूरा एकदम इक्वल और इवन नहीं बना रही हूँ, थोड़ा वैसा बना रही हूँ, ताकि थोड़ा सा एक होता है ना छीटा वाला लुक, वो आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे पे कर दिया। अब ब्रश में मैंने ना ब्राउन पेंट लेके और इस तरह से इसके स्प्लैशेस पूरे पे दे दूंगी, तो इससे बिल्कुल वही विंटेज और बोहो वाला लुक रहेगा। ये रहा इसका फाइनल लुक। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. And तो चलिए अब अपने नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट DIY हम रोप से बनाएंगे एक प्यारा सा वास। तो उसके लिए इस तरह का जो जो कर्टन हैंग करने के लिए आते हैं इस तरह के रिंग, वो आप ले लीजिए। तो स्टील के भी आते हैं जिसके ऊपर ये वाला नहीं बना रहता है हुक, तो इसको मैं काट के हटा रही हूँ। फिर ये जो रोप आती है ना, ये आपको एक गोला 10 रुपीज़ के अंदर ही आ जाएगा। इसको पूरे पे अच्छे से स्टिक करना है राउंड राउंड करके। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो इस तरह से आपको लेना है रोप और पूरे पैसे घुमा के आपको स्टिक लेना, ठीक है। तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा, ये 20 का 12 पीस था, ये जो राउंड वाले जो सर्कल्स हैं ये, तो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे ये दोनों चीज़ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप स्टील वाली रिंग भी ले सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली, तो मैंने यही वाला ले लिया और इसको ही मैंने आगे के हुक को कट कर लिया। तो इस तरह से मैंने कर लिया है राउंड राउंड करके। और थोड़ा ज़्यादा आपको मैंने यहाँ पे टोटल 12 या फिर 10 पीस यूज़ किया था, क्योंकि एक वास का शेप इसको देना है, बोहो वास। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब चलिए इसको असेंबल करके अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको स्टिक करना है, और बहुत इजी और तुरंत बन जाने वाला क्विक 5 मिनट का DIY है ये सारा, बहुत इजी बन जाएगा। और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को एक क्विक DIY पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।